हेलो फ्रेंड्स, ललित कामती फ्रॉम मेडराइजिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं कुछ ऐसे लेटेस्ट कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो टेक्निकल कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फेवरेबल है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्निकल में मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि मास्टर्स कोर्स के अंदर टेक्निकल में बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसके अंदर कुछ कोर्सेज है जो वीडियो के लास्ट तक आप देखें, हम उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे कि जर्मनी के अंदर कुछ ऐसे क्या क्या कोर्सेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेट्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक तो मैकेट्रॉनिक्स हो गया। मैकेट्रॉनिक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मैकेनिकल से रिलेटेड है और इलेक्ट्रॉनिक से भी रिलेटेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है ये बहुत ज़्यादा है। दूसरा रहता है ऑटोमोबाइल्स, जो कि आप लोग सभी जानते हैं कि ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नंबर वन पे भी जर्मनी ही चल रही है, जहाँ पे ऑटोमोबाइल की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होती है और ऑटोमोबाइल्स का हब कहा जाता है वहाँ पे। इसके बाद होता है रोबोटिक्स। दोस्तों, रोबोटिक्स आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टडीज़ है उसके अंदर रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मेडिकल फील्ड से लेकर के टेक्निकल्स में, मैनेजमेंट में, कई सारे फील्ड में रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोबोटिक्स के फील्ड के लिए रोबोटिक्स के जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस कोर्स में भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं वहाँ पे। इसके लिए आपको जो क्राइटेरिया होता है, जो कि प्रीवियस एडमिशन क्राइटेरिया जिसमें हमने आपको डिस्कस किया था, आज भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि दो तरह के कोर्सेज होते हैं, दो तरह के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। एक होता है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, एक होता है जर्मन टॉट प्रोग्राम। जर्मन टॉट प्रोग्राम में एडमिशन बिल्कुल कॉन्क्रीट होता है। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपका कंफर्मेशन लेटर बहुत जल्दी आ जाएगा और 100% कंफर्मेशन लेटर आ जाती है एडमिशन्स के लिए। बट इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में कुछ मैंडेटरी होते हैं जो जर्मन गवर्नमेंट्स के लिए दिया जाता है, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ GRE डिमांड करते हैं, कुछ IELTS डिमांड करते हैं, और एटलीस्ट जो बैचलर्स कोर्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी के अंदर, वो एटलीस्ट 80% से प्लस होना चाहिए। तो ये सब कुछ मैंडेटरीज हो जाती है। तो इस सब चीज़ों के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए, आप अगर एडमिशन प्रोसेस को जानना चाहते हैं और एडमिशन कराना चाहते हैं, या उसके अंदर किसी भी तरह की कोई क्रिटिकल सिचुएशंस होती है रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग और एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ के रिगार्डिंग, आप इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है टेक्निकल के लिए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। जैसे आप जानते हैं कि जर्मनी के अंदर TU9 यानी 9 जो यूनिवर्सिटी है वो टेक्निकल के लिए बहुत ही साउंड है, बहुत ही अच्छा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च होते हैं, रिसर्च में भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन्स करा सकते हैं और इसमें बहुत ही स्मूथ वे से एडमिशन्स हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि प्रॉपर गाइडलाइंस होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको अगर प्रॉपर गाइडलाइंस की ज़रूरत है और उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं और आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। थैंक यू।